ज़ैरी का ये डैम डाक डैम के नाम से मशहूर है। डाक डैम महल वकूह के एतबार से ज़ैरी शहर के जुनूब में 10 किलोमीटर के फासले पर और कोह स्याह रेंज के पहाड़ी सिलसिले कोह स्याह के दामन में वाक़ है। डैम के जुनूब में ज़ालिकान दुगन के इलाके, मशरक में चश्मा जर्द खटजाम और मिश्क के इलाके, जबकि शुमाल में छाब और फिराखुद के इलाके मौजूद हैं। डैम के मगरब में ज़ैरी का तवील मैदानी इलाका है, जो कि ज़ैरीना पट मतलब ज़ैरी का मैदान के नाम से मशहूर है। बारिश का पानी पहाड़ों से उतरकर इसी मैदानी इलाके से बहकर डैम में दाखिल होता है। डैम के दो जानबी हिफाजती बंद हैं, जो कि 20-20 फुट ऊंची हैं। इसके अलावा डैम का बास्क 10 फुट पर मुश्तमिल है। ये डैम तकरीबन 500 एकड़ रकबा पर मुश्तमिल जबकि 2 किलोमीटर तवील है। डैम के आसपास मौजूद झाड़ियाँ और दरख्त जहाँ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं, वही ये परिंदों का मस्कन भी बना हुआ है। यही वजह है कि ज़ैरी के मुख्तलिफ इलाकों से शिकारियों की एक बड़ी तादाद शिकार खेलने के लिए इसी डैम का रुख करते हैं। सर्दियों के मौसम में डैम से करीबी इलाकों के बाशिंदे इन दरख्तों की कटाई करते हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। दरख्तों की कटाई और बेतहाशा शिकार के बाद न सिर्फ डैम की खूबसूरती में कमी आई बल्कि परिंदों की तादाद में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। वैसे तो डैम इसलिए तामीर किए जाते हैं ताकि पानी का ज़खीरा किया जा सके और इसकी बदौलत ज़ैर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो, जिससे करीब के इलाकों को फ़ायदा तो पहुंच रहा है लेकिन इसकी ज़मीन बंजर होने के सबब इसमें पानी का ज़खीरा नहीं हो पाता। मगर बारिशें होने के बाद इसमें फिर से पानी भर आता है और सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। डैम का पानी कम या खुश्क हो जाने पर आसपास के इलाकों से चरवाए अपने माल मवेशी इस डैम के अहरीकास के मैदान में चराने लाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दोस्तों के हमरा इस डैम की सैर और वहां जाकर पिकनिक एक बेहतरीन इंतखाब है। डैम के बास पर बैठकर साथियों के साथ कैकोबरी महफिल का मज़ा शायद कई और मुयसर न हो, क्योंकि आसपास के स्याह खाकी रंग के ये पहाड़ एक अनमोल तफरीगा का मंजर पेश करते हैं और इंसान को एक नई दुनिया से रोशनास कराते हैं। सूरज के गुरूब और तुलू होने के वक़्त का मंजर इतना मुनफरद और दिलनशीन होता है कि इन खूबसूरत पहाड़ों से गुजर कर आंखों से पार जहन पर एक अजीब मसहूर कुन असर छोड़ जाता है। हाथ में कहवा चाय का कप, डाक डैम की सैर और पुरसुकून माहौल डाक डैम के अलावा कहीं और नहीं मिलता। एक बार ज़रूर अपने दोस्तों के साथ डाक डैम की सैर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।